हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो आज की वीडियो में मैं मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 3 करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग करेंगे 9th से लेके 12th क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम लोग सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो और एक पार्ट बनेगा वो लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4, जिसमें मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं 13 से लेके 16 तक, वो हम लोग कर लेंगे। ये वाला जो एक्सरसाइज है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे मैंने इसके लिए पार्ट ज़्यादा बनाए जिससे आप लोग को जो क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होगी और आप लोग को वीडियो जो है जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप लोग ने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो जाके आप लोग वो देख सकते हो सर्च बार में सर्च मार के। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन है कि फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग को एक स्क्वायर का साइड फाइंड करना है, और यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है 20। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पिछले जब क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को साइड दिया जा रहा था और बोला था पेरीमीटर निकालो, तो उसका उल्टा है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे हम लोग। तो हम लोग का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 × साइड, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है वो है 20। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस पेरीमीटर इज 20। तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है 20। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को पता है अगर एक चीज़ इक्वल टू के इस तरफ अगर इंटू होती है तो वो उस तरफ जाके डिवाइड पे हो जाती है। तो यहाँ पे 4 जो नंबर था मैंने उसको लेफ्ट में भेज दिया, जिससे वो इंटू में होके यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया, फिर साइड जो है वो अकेला बच जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 20। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 20 का 20 इधर लिख दिया और 4 का नीचे 4 लिख दिया, इक्वल टू साइड। अभी हम लोग जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का साइड जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग को पता है 4 × 5 होता है 20। तो दोनों 4 4 से कट के हो जाएगा 5/1, और 5 5/1 होता है 5। तो हम लोग का आंसर है 5 मीटर, और ये है 5 मीटर साइड जो एक स्क्वायर का है जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 5 मीटर। तो आप लोग को यूनिट्स भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 10th क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। तो ये क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज टाइप चेंज कर दिया, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर एक रेगुलर पेंटागन का दिया है, वो है 100 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि कितना लॉन्ग है उसका एक एक अलग अलग साइड ईच साइड। तो यहाँ पे सारे साइड जो है वो सेम होते हैं। पेंटागन का फॉर्मूला होता है 5 × साइड, उसमें 5 इक्वल साइड्स होते हैं। यहाँ पे जो भी पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, सबके जो साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, आप लोग को पता रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है पेरीमीटर का, वो है 5 × साइड्स, मतलब जो 5 डिफरेंट साइड्स है उसको हम लोग 5 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर है पेंटागन है वो है 5 × साइड। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन जो है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस बार भी हम लोग जो 5 इधर इंटू हो रहा है उसको उधर लेफ्ट हैंड साइड में भेज के उसको डिवाइड में ला देंगे। तो यहाँ पे 5 को मैंने इधर भेज के यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन के नीचे आके हो गया, और यहाँ पे साइड जो है अकेला बच गया। तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 100 दे, तो 100 को भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो साइड है वो निकल के आ जाएगा। 5 और 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर 20/1 बचता है। 20/1 जो होता है वो 20 होता है। तो हम लोग का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जो साइड है पेंटागन का वो ईच साइड वो है 20 20 20 20, 5 अलग अलग साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का 11th क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके और 2 पार्ट्स भी अच्छे हो, सबसे पहले हम लोग ए पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक स्ट्रिंग है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये लोग पूछ रहे हैं अगर यहाँ पे हम लोग वो स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाए, एक स्क्वायर वो स्ट्रिंग यूज़ करके, समझो ये स्ट्रिंग है इतना 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 एक स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे वो जो स्ट्रिंग से हम लोग ने जो स्क्वायर बना लिया, तो वो स्ट्रिंग से जो स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे वो स्ट्रिंग स्क्वायर का एक साइड का लेंथ जो है वो कितना सेंटीमीटर होगा। तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है हम लोग को। तो यहाँ पे ये जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही थोड़ा रिलेट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर क्या वो लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हम लोग 30 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 30 सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो 4 यहाँ पे लिखा है उसको मैं इधर ला देता हूँ,
जिससे हम लोग को साइड जो है पता चल जाएगा। ये लोग ने साइड पूछा, क्या होगा साइड, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे हम लोग फोर को इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख के इसके नीचे फोर आ जाएगा आप लोग के सामने। फिर यहाँ पे साइड जो है हम लोग को पता चल जाएगा कि स्क्वायर का कितना है। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैं एक बार स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ही लिखा, वो होता है 4 इंटू साइड। यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग यूज़ करने बोला, तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे आगे जाके 30 जो है वो रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे 4 को यहाँ पे इंटू था, तो उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ला के डिवाइड पे कर दिया। तो यहाँ पे अभी ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा 30, और डिवाइड में हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर का साइड। तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोग ने जो स्ट्रिंग यूज़ करके जो स्क्वायर बनाया उसका एक साइड जो है वो कितना है। तो यहाँ पे हम लोग 30 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 30 को अभी हम लोग 4 से डिवाइड करें, तो 4 7 जो होता है 28, रिमेनिंग में बचा 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0, 4 5 जो होता है 20। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है वो है 7.5। तो यहाँ पे हम लोग का जो साइड है वो है 7.5। तो यहाँ पे एक जो हम लोग ने स्क्वायर बनाया वो भी स्ट्रिंग का यूज़ करके, तो यहाँ पे उसका एक साइड जो है वो 7.5 है। तो यहाँ पे और भी पार्ट्स है, तो हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो ये सब मिटा के वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो बी और सी पार्ट था वो यहाँ पे मैंने लिख चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे मैंने पिछले ए पार्ट की तरह ही यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे पिछले पार्ट में मैंने आप लोग को कैसे करना वो सीखा, तो इस बार मैं आप लोग को डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे किया मैंने। तो यहाँ पे एन इक्वलेटरल ट्रायंगल बोला है, और सी पार्ट में बोला है और रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे इक्वलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड जो रहते हैं इक्वल रहते हैं, इसके लिए इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला रहता है 3 इंटू साइड, और रेगुलर हेक्सागन के 6 साइड्स रहते हैं और 6 के 6 इक्वल रहते, तो उसका फॉर्मूला है 6 इंटू साइड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल जो होता है 3 इंटू साइड वो लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 इंटू में, तो यहाँ पे उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बेच के डिवाइड में ला दिया, जिससे वो यहाँ पे मैंने इसका मतलब आप लोग को पता नहीं, यहाँ पे 2 जो मैं मार्क करता हूँ इसका मतलब यही जो चीज़ है वो यहाँ पे लिखने जैसा हो गया। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल लिखा है ट्राइंगल, और 3 जो है वो उसके नीचे आ गया, और साइड इधर अकेला बच गया। फिर क्या हुआ, हम लोग ने पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल को रिप्लेस कर दिया 30 जो है स्ट्रिंग का लेंथ। तो यहाँ पे 30/3 हो गया साइड। तो अभी हम लोग को साइड पता चल जाएगा जो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे अभी आप लोग को पता रहेगा कि 3 10 होता है 30, तो यहाँ पे हम लोग का ये 3 3 से कट के हो गया 10/1, और 10/1 होता है 10 10 सेंटीमीटर जो है वो साइड है। यहाँ पे हम लोग को जो सारे यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में यूज़ करने, क्योंकि स्ट्रिंग भी हम लोग को सेंटीमीटर में दिया है। फिर यहाँ पे सी आया रेगुलर हेक्सागन, तो यहाँ पे पेरी ऑफ पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन लिखा है, फिर इसको इक्वल टू में मैंने लिखा है 6 इंटू साइड जो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। फिर यहाँ पे इसका मतलब भी नीचे ही वही लिखा है, और जो 6 इंटू में था वो नीचे आके डिवाइड में हो गया, फिर साइड उधर अकेला बच गया। फिर यहाँ पे उसको मैंने रिप्लेस कर दिया पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन को स्ट्रिंग के लेंथ से 30, 30/6 होता है 5, आप लोगों को पता रहेगा 5 इंटू 6 होता है 30। तो यहाँ पे ये दोनों 6 6 6 से कट के यहाँ पे बच गया 5/1, आंसर 5/1 होता है 5। तो 5 सेंटीमीटर हो गया साइड का लेंथ एक रेगुलर हेक्सागन का। तो यहाँ पे बढ़ते हम लोग के इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिख चुका है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है एक ट्राइंगल के 2 साइड्स है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36, तो जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो है 36 सेंटीमीटर। वॉट इज़ द थर्ड साइड, तो यहाँ पे हम लोग को 2 ही साइड दिया है, तो थर्ड साइड नहीं दिया, तो हम लोग को निकाल देंगे। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो जो भी यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है जो 3 अलग अलग साइड्स होते हैं उसको सम करना, मतलब ऐड करना। तो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स, तो यहाँ पे जो तीनों साइड्स अलग अलग साइड्स रहते हैं उसको जब हम लोग सम कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो वही उसका पेरीमीटर होता है। यहाँ पे एक ट्राइंगल उसका ये साइड और ये साइड, टोटल 3 साइड को अगर हम लोग सम कर दे यानी ऐड कर दे, तो वो होता है उसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल तो हम लोग को दिया है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 36 सेंटीमीटर हम लोग को दिया है। तो यहाँ पे मैं 36 को इससे रिप्लेस कर देता हूँ, इससे कुछ क्वेश्चन जो है चेंज नहीं होगा। जो यहाँ इन लोग ने दिया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी हम लोग सम ऑफ द साइड्स जो है, यहाँ पे साइड्स 3 अलग अलग, मैं उसको अलग अलग नाम दे रहा हूँ। तो पहला जो साइड है उसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, दूसरा साइड को बी, और तीसरे साइड को सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए साइड और बी साइड और सी साइड को अगर प्लस कर दे, तो यानी वो इसके जैसा ही हो गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो तीनों अलग अलग साइड्स है उसको ए और बी और सी नाम दे दिया।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला साइड है वो हम लोग को 12 दिया, दूसरा साइड है 14 दिया, बाद तीसरा साइड जो है नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं 36 लिख देता हूँ। इक्वल टू पहला साइड ए जो है हम लोग को 12, दूसरा साइड 14 दिया है और तीसरा साइड जो है वो नहीं दिया है। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देते, चाहे तो आप लोग ये भी आगे सबसे पहले लिख सकते हैं कि द लेट द फर्स्ट साइड भी ए, सेकंड साइड भी बी, सेकंड थर्ड साइड भी सी, आप लोग लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करो तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों प्लस है तो इनको प्लस कर देते हैं, तो 14 प्लस 12 होता है 26। तो यहाँ पे मैं 26 प्लस C लिख देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे अभी 26 जो है वो सी से प्लस हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये उधर जाएगा तो आप लोग को पता है कि माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 36 ये इधर आके माइनस हो गया। अगर इंटू होता तो डिवाइड होता, डिवाइड होता तो यहाँ पे जाके इंटू हो जाता था, पर यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 जो है वो 26 से माइनस होके यहाँ पे जो हम लोग का सी साइड है वो इधर आ जाएगा अकेले। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 36 माइनस 26 होता है 10। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, 660, 3 माइनस 2 होता है 1। यहाँ पे हम लोग का जो 10 है वो आंसर आ गया, और सी जो साइड था वो हम लोग का थर्ड साइड था तो निकल गया हम लोग का थर्ड साइड, आप लोग देख सकते हो। और सेंटीमीटर है, यूनिट डालना कभी मत भूलना, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग के पार्ट 3 का जो 4 क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला था, वो 4 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे इस पार्ट का इस तरी दी एंड हो जाता है। तो यार पढ़ने में मज़ा आया तो अभी से जाके एक लाइक जो है स्क्रोल करके दबा दो, टेंशन मत लो। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दे, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।